और खबरों में बात करेंगे नोएडा की, जहां पर वन राज्य पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की है। मंत्री अरुण कुमार ने कहा कि वाटर स्प्रिंगल के जरिए पानी का छिड़काव लगातार कराया जा रहा है, स्मॉग गन का इस्तेमाल करके वायु की गुणवत्ता को सुधारा जा रहा है। शासन की तरफ से स्मॉग गन नोएडा प्राधिकरण को सौंपी गई है और इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर को प्रदूषण से बचाने के लिए शासन स्तर पर भी तैयारियां की जा रही है। संशोधित ग्रेड के संबंध में सीएक्यूएम के निर्देशों का एनसीआर शहरों में व्यापक रूप से प्रचार किया गया है। यूपी एनसीआर जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सीएक्यूएम द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन इसकी उप समिति की अनुशंसा के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। हम लोग, मैं स्वयं अपने आरओ से संपर्क में रहता हूँ कि भाई तुम्हारे यहाँ क्या स्थिति है।